स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉर एवर में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए जॉब्स की अपडेट। और दोस्तों ये जो जॉब्स की अपडेट है ये रहने वाली है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से। यहाँ पे क्या है कि ये कुछ पद भरे जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से पद हैं और क्या इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या इसकी फीस रहने वाली है। दोस्तों टोटल यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे टोटल 8 पोस्टों के ऊपर, 8 पदों के ऊपर ये भर्ती होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे पहले पद कौन सा रहेगा। दोस्तों यहाँ पे ड्राइवर का एक पद रहेगा और ये जो रहेगा इसकी कैटेगरी रहेगी SC। और दोस्तों आगे हम बात करें, अगर हमारे पास पद रहेंगे वो रहेंगे PN डेली वेज के, 3 पद रहेंगे, एक पद रहेगा अनरिजर्व से, एक पद रहेगा SC से और एक रहेगा EWS से। दोस्तों इसी तरह आगे जो हमारे पास पद है वो है चौकीदार का, डेली वेजेज बेस पे रहेगा, 4 पद रहेंगे। इसमें क्या है, 2 पद जो रहेंगे आपके अनरिजर्व से रहेंगे और OBC का 1 पद रहेगा और EWS का 1 पद रहेगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राइवर के पद के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या से इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है। तो दोस्तों जो ड्राइवर के लिए सबसे पहले जो आपको सैलरी मिलेगी वो 361 रुपये पर डे के हिसाब से सैलरी मिलेगी। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसके लिए जो है कि आपकी जो एजुकेशन रखी गई है, आप 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी या लाइट मोटर व्हीकल का। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टम और मैनर की नॉलेज होनी चाहिए। और बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट 18 से 45 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर जो रूल मिलती है वो आपको मिलेगी। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो 400 रुपये रखी गई है SC कैटेगरी वालों के लिए। और जो आगे इसका ड्राइविंग जो ड्राइविंग टेस्ट हो जो जो किया चार्ज लेगा उसके लिए क्या है कि जो कैंडिडेट अपना व्हीकल खुद का करेंगे, डिपार्टमेंटल व्हीकल यूज करेंगे उनको 400 रुपये देना होगा और जो HRTC कैंडिडेट जो व्हीकल यूज करेंगे उनको 800 रुपये देना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरह हम बात करें इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो जिन कैंडिडेट्स की इसमें सिलेक्शन हो जाएगी उनको क्या है कि ड्राइविंग टेस्ट के बाद जो इसमें क्वालिफाइड होंगे उनको क्या है उसके बाद उनका रिटर्न टेस्ट होगा 100 नंबर का, तो उसके हिसाब से इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसकी कि एग्जामिनेशन सेंटर के है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको ये खुद मेंशन करके बताएंगे। जो इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो हेड क्वार्टर्स धर्मशाला में होगा। इसी तरह दोस्तों आगे हम बात करते हैं PN के पदों की, PN और चौकीदार के पदों के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें जो इनकी सैलरी मिलेगी वो 300 रुपये पर डे के हिसाब से इनको सैलरी मिलेगी। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टम और मैनर की नॉलेज होनी चाहिए। और बात करें हम चौकीदार के लिए तो इसमें क्या है कि जो आपकी एजुकेशन है आप 8वीं पास होनी चाहिए और आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टम और मैनर की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें जो इनकी फीस क्या रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की, तो दोस्तों जो इनकी फीस रहेगी वो 600 रुपये रहेगी जनरल कैटेगरी वालों के लिए और SC वालों के लिए 400 रुपये रहेगी। इसी तरह चौकीदार में भी दोस्तों 600 रुपये जनरल के वालों के लिए और 400 रुपये रहेगी SC कैटेगरी के लिए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपकी मेरिट बेस पे होने वाली है और जो आगे की 15 नंबर की जो होगी वो इसकी जो वैल्यूएशन होती है उसके आपको पता ही है कि उसी क्राइटेरिया के हिसाब से होगी। जैसे लैंड लाइफ नॉन इंप्लाई के जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होंगे उसी के नंबर से बेस पे होगी। तो दोस्तों टोटल इसकी 100 नंबर की जो इसकी एड जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी। इसी तरह दोस्तों हम बात करें जो इसमें क्या है कि एक पद इसमें क्या है कि एक पद के लिए 20 लोगों को यहाँ पे ये बुलाएंगे जिनकी हाईली मेरिट होगी। इसी तरह दोस्तों चौकीदार की बात करें इसके लिए भी सेम यही प्रोसेस रहने वाली है। इसमें क्या है कि आपके 8वीं के नंबरों के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी और उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन होगी उसके लिए भी आपको वही नॉन जो विभाग का अपना वो है उसके हिसाब से होगी। जैसे कि लैंड लाइफ नॉन इंप्लाई के जो नंबर होंगे वो आपके इसमें जुड़ेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि हमें इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से ही इन पदों के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि आपको जो स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको आवेदन करना होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आवेदन करना है, क्या प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है तो क्या रखी गई है। दोस्तों वीडियो बन रही है, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट सके। दोस्तों इन पदों को जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 तारीख से इसका लिंक खुल जाएगा और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 6/8/2022 रहेगी। अगर आप 6 अगस्त के बाद इसको फिलअप करते हैं तो आपको 300 रुपये जो है लेट फीस का चार्ज देना पड़ेगा 15 अगस्त तक। तो दोस्तों जो कोई भी इसको फॉर्म फिर को फिलअप कर जाता है वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
इन्होंने मेंशन किया है कि सबसे पहले आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा www.hpbosc.org। वहाँ पे क्या है कि HPBOSC रिक्वायरमेंट 2012 का एक लिंक मिलेगा या कोई इन्होंने उस पर डिजाइन करेंगे, उस पर जाके आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होगी, आपको अपनी एक आईडी बनानी होगी। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको क्या है उसको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद जो भी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको उसमें मेंशन करनी होगी और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगाने होंगे। उसके बाद जैसे फीस के लिए आप करो उसके बाद जैसे जो डॉक्यूमेंट डालने के बाद आपको फीस भी ऑनलाइन माध्यम से करनी होगी। ऑनलाइन माध्यम से मतलब कि आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फीस काटनी होगी। उसके बाद दोस्तों क्या है कि आपको इसका प्रिंट आउट करना होगा। जो भी इसकी जैसे भी आप इसका एडमिट कार्ड निकालोगे वो भी आपका उसी पर ही निकलेगा, जैसे हम किसी और डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन करते हैं। दो दोस्तों जो कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो जल्दी जल्दी इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। और इसका जो एग्जामिनेशन होगा 100 क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको बता दिया ड्राइवर वालों के लिए कुछ इस तरह का इसका बनेगा। और इसकी जो एक बार फिर से मैं बता दूँ कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 7/7/2022 से शुरू होगी और लास्ट डेट रहेगी इसकी 6/8/2022 और जो फीस सबमिशन की होगी 7/8/2022। और अगर आप 15 इसके बाद अपना सबमिट करते हो तो आपको 300 रुपये उसके अलग उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। दोस्तों ये अगर आप इसमें कोई करेक्शन वगैरह करना चाहते हो तो करेक्शन का लिंक जो होगा वो 18/8/2022 तक ओपन होगा। 16 तारीख के बाद 2 दिन इसका लिंक करेंगे और इसका एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आपको आएगा जो भी जैसे भी इसकी डेट मेंशन होती है। दोस्तों ये थी आज की हमारे पास जॉब्स की अपडेट। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी इस तरह की नई नई जॉब्स की अपडेट के लिए बन रही है हिमाचल फॉरएवर के साथ। नोटिफिकेशन का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको पूरा डीपली पढ़ सकते हो। वैसे मैंने मैक्सिमम हर चीज आपके साथ मेंशन कर दी है। आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं इस तरह की अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।